बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, स्टार्ट विद द ग्रेट नेम अलमाइटी ऑफ अल्लाह हु इज़ द मोस्ट बेनिफिशियल एंड द मोस्ट मर्सीफुल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु माय डियर स्टूडेंट्स, लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। आई एम मोहम्मद वसीम, एन इंग्लिश लेक्चरर ऑफ क्लास इंटरमीडिएट। आई एम डिलीवरिंग माय लेक्चर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज बदीन कैंट। डियर स्टूडेंट्स, Today I will teach you poem number 3, and the topic of your poem is Lines from Samson Agonistes by John Milton. आज हम जिस poem को पढ़ेंगे उस poem का नाम Lines from Samson Agonistes है, जो John Milton ने लिखी है। John Milton ने Samson के बारे में लिखा है। जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ कि Samson बनी इसराइल कौम का एक बंदा था जो बहुत ज़्यादा ताकतवर था। बनी इसराइल कौम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ तो बनी इसराइल कौम जो है वो सरकशी में आ गई, बुराई के काम करने लगी। तो खुदा के करने से क्या हुआ कि उनके ऊपर कौम अमालका जो थी वो मुसल्लत हो गई, वो काबिज़ हो गई। कौम अमालका बनी इसराइल के ऊपर बड़ा ही ज़ुल्म किया करती थी। तो उस वक्त बनी इसराइल कौम में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम सैमसन रखा गया। सैमसन दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ था और बहुत ज़्यादा ताकतवर था, और ये तकरीबन इसने काफ़ी जो है वो कौम अमालका के लोगों को कत्ल किया था। कौम अमालका के लोगों ने, उसके जो बड़े बड़े जो रहनुमा थे, उन्होंने सैमसन को पकड़ने की काफ़ी कोशिशें की, लेकिन उन सारी कोशिशों में नाकाम हुए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर था, इसको पकड़ना नामुमकिन था। फिर उन्होंने एक तदबीर सोची कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से ये इतना ताकतवर है, इसकी ताकत का क्या राज हो सकता है। फिर उन्होंने एक उस वक्त की, उस ज़माने में एक बहुत ही खूबसूरत औरत हुआ करती थी जिसका नाम डलाइला था, उस डलाइला को सैमसन की ताकत का राज जानने के लिए इस्तेमाल किया गया। सैमसन को डलाइला से मोहब्बत हो गई और फिर उन दोनों की शादी की गई। और फिर डलाइला ने जब सैमसन से पूछा कि तुम्हारी ताकत का राज क्या है कि तुम इतने हज़ारों लोगों को मार देते हो, ये इस ताकत का राज क्या है, तो उसने कहा कि मेरी ताकत का राज जो है वो मेरे बालों में है। तो एक रात को क्या हुआ, जब सैमसन सो रहा था तो डलाइला ने उसके बाल काट दिए, और फिर इस तरीके से कौम अमालका के जो लोग थे उन्होंने सैमसन के ऊपर हमला कर दिया और सैमसन को कैद करके अपने शाही महल में लेकर आए। जब वहाँ पर शाही महल में सैमसन को कैद करके लेकर आए तो वहाँ पर उसकी आँखों को भी निकाल दिया गया, उसकी आँखों की रोशनी को भी ख़त्म किया गया, उसको अंधा किया गया और उसको मारा गया, पीटा गया, उसके ऊपर काफ़ी सारे जुल्म किए गए। तो यहाँ से जॉन मिल्टन जो है वो सैमसन के बारे में लिखते हैं, सैमसन के बारे में अपने अल्फाज में बयान करते हैं, अपनी शायरी में उसको बयान करते हैं कि कैसे सैमसन को जो है वो शाही महल में लाया गया और फिर सैमसन ने किस तरीके से अपना बदला लिया। तो जॉन मिल्टन अपने अल्फाज में सैमसन की इस कहानी को बयान करते हैं। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो guys, here is about John Milton's life. Here is something informative points about John Milton's life. तो ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। John Milton was born in 9th December 1608 in London, in England. He was died on 8th November 1674 in England. John Milton is best known for Paradise Lost, widely regarded as the greatest epic poem in English. यानी John Milton को जो पजीराई मिली, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुए, जिस poem की वजह से, वो Paradise Lost थी। Paradise Lost इसकी बहुत ही मशहूर होने वाली poem थी। Together with Paradise Regained and Samson Agonistes, उसके साथ पैराडाइज रीगेंड, यानी ये भी एक, पहले पैराडाइज लॉस्ट आई उसके बाद पैराडाइज रीगेंड, ये भी एक पोएम है, और इसके बाद सैमसन एग्निस्टीज, ये पोएम, ये तीनों जो पोएम जो थी इसकी वजह से जॉन मिल्टन को बहुत ज़्यादा
पज़ीराई मिली, बहुत ज़्यादा जॉन मिल्टन जो है वो उसको शोहरत मिली, वो मशहूर हो गए। जॉन मिल्टन इज़ रिगार्डेड एज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोइट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जॉन मिल्टन इंग्लिश लिटरेचर के बड़े ही जो मशहूर किस्म के जो शायर थे इंग्लिश लिटरेचर के। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो वी आर गोइंग टू रीड स्टेंजाज। स्टेंजा नंबर वन। इन स्टेंजा नंबर वन व्हाट डज द पोइट से? ही सेज ही पेशेंट बट अनडॉन्टेड where they led him came to the place and what was set before him which without help of eye might be essayed to heave pull draw or break he still performed all with incredible stupendous force. Stanza number 1 mein shayar kehte hain John Milton ke he patient, ye bahut hi sabreen the, bahut hi sabr karne wale the, but undaunted, lekin bahut zyada bahadur the. Where they led him came to the place, जहाँ से इसको ले गए वहाँ पर, उस जगह पर इसको लेकर आए। एंड वॉट वॉज सेट बिफोर हिम विच विदाउट हेल्प ऑफ आई माइट बी अ सेट, और जो भी सैमसन से जो भी करवाया गया वो बग़ैर आँख के, बग़ैर आँख की बीनाई के उससे करवाया गया। जो भी सैमसन ने कोशिश की, जो भी करतब दिखाए, जो भी कोशिशें की, वो सारी कोशिशें जो है वो इसने बग़ैर नज़र के की, बग़ैर आँखों से की, क्योंकि इन लोगों ने सैमसन की आँखों को निकाल दिया था। टू हीव पुल ड्रॉ और ब्रेक ही स्टिल परफॉर्म्ड ऑल विथ इनक्रेडिबल स्टुपेंडस फोर्स। ये जो भी चीज़ करता था, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी हैवी ऑब्जेक्ट को उठाना, उसको खींचना, उसको पुल करना, या उसको उठाकर ज़मीन पे पटकना, या उसको तोड़ देना, तो ये सारी चीज़ें ये करता था, ये करतब दिखाता था, लेकिन इसके अंदर एक इनक्रेडिबल स्टुपेंडस फोर्स था, यानी नाकाबिल यकीन जो है वो एक फ़ोर्स थी, एक ताकत थी, एक हैरत अंगेज़ जो है वो ताकत इसके अंदर शामिल थी। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। स्टेंजा नंबर टू। None daring to appear antagonist, यानी इसके सामने कोई भी जो मुखालिफ था वो टिक नहीं पाता था। एंटागनिस्ट कहते हैं मुखालिफ को, कोई भी जो मुखालिफ था वो इसके सामने आ नहीं सकता था, अपीयर नहीं हो सकता था। At length of intermission sake they laid him between the pillars, he his guide requested forso from such as nearer stood we heard. तो जैसे ही वक्फ़ा हुआ, इंटरमिशन हुआ, तो इसने अपने गाइड से रिक्वेस्ट की कि इसको जो है वो जो इसने अपने गाइड से रिक्वेस्ट की कि ये बहुत ज़्यादा थक चुका है, एज़ ओवर टायर्ड टू लेट हिम लीन अ वाइल। ठीक है, इसने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहता हूँ। तो इसका जो गाइड था वो इसको दो पिलर्स के बीच में ले गया। दो पिलर्स कौन से? वो जो वो ऐसे पिलर्स थे जो पूरी छत को संभाले हुए थे, दो पिलर्स के बीच में इसको ले जाया गया और वहाँ पर थोड़ी देर के लिए ये बैठ गया। स्टेंजा नंबर थ्री। विथ बोथ हिज आर्म्स ऑन दोज टू मैसी पिलर्स, यानी इसने अपनी जो दोनों बाजू थे वो दो बड़े जो पिलर्स थे उसके ऊपर रखे। दैट टू द आर्च्ड रूफ गेव मेन सपोर्ट, जो छत थी, जो मेहराब था, उसको सपोर्ट दिए हुए थे। ही अनसस्पिशियस लेड हिम विच वेन सैमसन फेल्ड इन हिज आर्म्स। जैसे ही ये खुफिया तरीके से जैसे ही इसको ले गए तो सैमसन ने अपने हाथों से, अपने आर्म से उनको महसूस किया। विथ हेड अ वाइल इनक्लाइंड, और थोड़ी देर के लिए अपनी गर्दन को झुका दिया। एंड आईज फास्ट फिक्स्ड ही स्टूड एज वन हु प्रेड, और इसने अपनी आँखों को फिक्स कर लिया और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो इबादत कर रहा हो, कि वो कुछ पढ़ रहा हो, कुछ दुआ मांग रहा हो। यानी सैमसन को जब शाही महल में ले जाया गया तो वहाँ के जो लोग थे कौम अमालका के, वो उसको बहुत ज़्यादा तशद्दुद कर रहे थे, मार रहे थे, उसको पत्थर पत्थर मार रहे थे। तो इसने अपने गाइड से कहा कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मैंने बड़े ही हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठाया है, मैंने काफ़ी करतब दिखाए हैं, थोड़ी देर के लिए मैं बैठना चाहता हूँ। तो इसका गाइड जो है इसको
दो बड़े जो पिलर्स होते हैं उसके बीच में यहाँ जो है इसको लेकर गया, वहाँ पर ये बैठ गया। तो वहाँ पर इसने अपने दोनों हाथों से वो जो दो मेन पिलर्स थे उसको महसूस किया, ठीक है, और इसने अपने सर को झुका दिया और इबादत करने लगा। इबादत मतलब दुआ मांगने लगा। इसने दुआ मांगी कि ए खुदा, मुझे तू ताकत दे, मुझे हिम्मत दे, ताकि मैं कौम अमालका के लोगों से अपनी कौम का बदला ले सकूं। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्टेंजा नंबर 4। और सम ग्रेट मैटर इन हिज माइंड रिवॉल्व्ड एट लास्ट विथ हेड इरेक्ट द स्क्राइड अलाउड हिदर टू लॉर्ड्स वॉट योर कमांड्स इम्पोज्ड आई हैव परफॉर्म्ड एज रीजन वॉज ओबेइंग नॉट विदाउट वंडर और डिलाइट बिहोल्ड। और सम ग्रेट मैटर इन हिज माइंड रिवॉल्व, यानी इसके जहन में कुछ मैटर्स, कुछ बातें रिवोल्ट करने लगी, कुछ कुछ बातें इसके जहन में आने लगी, कुछ घूमने लगी। एट लास्ट विदाउट हेड इरेक्ट दस क्राइड अलाउड, यानी आखिरकार इसने अपने सर को, इसने अपनी गर्दन को सीधा किया और लाउडली कहा, चिल्ला कर कहने लगा, हेदर टू यानी अब तक, लॉर्ड्स वॉट योर कमांड्स इम्पोज्ड आई हैव परफॉर्म्ड एज रीज़न वॉज ओबेइंग नॉट विदाउट वंडर और डिलाइट बिहोल्ड, यानी अब तक जो भी तुम लोगों ने मुझ पे कमांड्स नाफिज की, इम्पोज्ड की, तुम लोगों ने जो भी मुझे मुझे जो है हुक्म दिए, मैंने वो परफॉर्म किए, मैंने खुशी से उस चीज़ को ओबे किया बग़ैर किसी हैरानी के, लेकिन मैंने हर चीज़ को जो है तुम्हारे हुक्म को माना खुशी से। ठीक है, तो यहाँ पर इसके जहन में कुछ बातें घूमने लगी। ओके, और इसने कहा उन सब लोगों को जो शाही महल के अंदर शामिल थे, शाही महल के अंदर जो जो भी लोग मौजूद थे, ठीक है, जो बड़े रहनुमा आए थे वहाँ पर, जो लोग जो थे उसके ऊपर जुल्म कर रहे थे, उन सब को मुखातिब होकर इसने कहा कि अब तक तुम लोगों ने मुझसे जो भी कहा वो मैंने खुशी से कबूल किया, मैंने खुशी से वो सारी चीज़ें की। ओके, स्टेंजा नंबर 5। Now of my own accord, such other trial, I mean to show you of my strength yet greater. As with amaze shall strike all who behold, this uttered, straining all his nerves, he bowed, as with the force of winds and waters, water spent. So guys, यहाँ पर शायर जॉन मिल्टन क्या कहते हैं, Now of my own accord, सच अदर ट्रायल, सैमसन ने कहा कि अब मैं अपनी मर्ज़ी से आप लोगों को एक ट्रायल दिखाना चाहता हूँ, एक करतब दिखाना चाहता हूँ, एक जो है एक 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 ऐसी ऐसी चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो आप लोगों ने कभी नहीं देखी। आई मीन टू शो यू ऑफ माई स्ट्रेंथ, यानी मेरा मतलब है कि मैं आपको अपनी ताकत दिखाना चाहता हूँ, येट ग्रेटर, जो सबसे बड़ी है, जो सबसे ग्रेटर है। As with amaze shall strike all who behold, जो देखने वालों को हैरान कर देगी। This uttered, ये इसने कहा, straining all his nerves, फिर इसने अपनी पूरी बाजुओं की ताकत लगाई, he bowed, इसने अपनी गर्दन को झुकाया, as with the force of winds and water spent, ऐसा लगा कि जैसे हवाओं और पानियों की जो ताकत है वो इसके साथ मिल गई हो। ठीक है, तो गाइज इस स्टेंजा के अंदर सैमसन ने उन सारे लोगों को मुखातिब करके कहा कि आप लोगों ने जो भी मुझे कहा मैंने वो किया, लेकिन अब मैं अपनी मर्ज़ी से आप लोगों को एक ट्रायल दिखाना चाहता हूँ जो कि आप लोगों ने कभी नहीं देखा, जो कि आज से जो कि ये जो ट्रायल होगा ये सबसे बड़ा ट्रायल होगा। ओके, जिससे सारे लोग हैरान हो जाएंगे। ये कहकर इसने अपने पूरे बाजुओं की ताकत लगाई, इसने अपनी गर्दन को झुकाया और ऐसा लगा कि जैसे हवा और पानी इन ये दोनों साथ मिल गए हों, जैसे बिजली कड़क गई हो, जैसे इसकी इसके इसके साथ कोई और ताकत शामिल हो गई हो। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्टेंजा नंबर 6। व्हेन माउंटेन्स ट्रेम्बल दोज टू मेसी पिलर्स With horrible convulsion to and fro, he touched, he shook, till down they came, and drew the whole roof after them with burst of thunder,
अपॉन द हेड्स ऑफ ऑल हु सेट बीनीथ। सो स्टेंजा नंबर 6 में जॉन मिल्टन कहते हैं, व्हेन माउंटेन्स ट्रेम्बल, जैसे पहाड़ लरजते हैं, जैसे पहाड़ जो है वो हिलते हैं, कांपते हैं, दीज टू मेसी पिलर्स विथ हॉरिबल कन्फ्यूजन टू एंड फ्रो, ये जो दो बड़े जो पिलर्स थे ये ख़तरनाक तरीके से हिचकोले खाने लगे, कन्फ्यूजन खाने लगे, टू एंड फ्रो इधर उधर जो है वो होने लगे, यानी इन दोनों पिलर्स पर जब उसने अपने हाथ रखे, उन दोनों पिलर्स को खींचने की कोशिश की, तो ऊपर जो छत थी वो हिचकोले खाने लगी, ये सारे जो पिलर्स जो थे वो हिलने लगे। ही टच्ड, इसने उनको खींचा, ही शूक, इसने उनको हिलाया, टिल डाउन दे केम, और तब तक हिलाया जब तक ये छत जो है, ये पिलर्स जो है ये नीचे गिर नहीं जाते। एंड ड्र्यू द होल रूफ आफ्टर देम विथ बर्स्ट ऑफ थंडर अपॉन द हेड्स ऑफ ऑल हु सेट बीनीथ, और वो सारी छत जो पिलर्स जो थे वो नीचे जो बैठने वाले जितने भी जो कौम अमालका के जो लोग थे उसके ऊपर जा गिरती है और वो सारे लोग जो है वो मर जाते हैं। ये एक आखिरी करतब था जो इसने दिखाया था। इसने खुदा से दुआ मांगी कि ए खुदा, तू मुझे आखिरी में मुझे ऐसी मुझे ताकत दे कि मैं अपनी कौम का जो है वो बदला ले सकूं। ठीक है, तो इसने इस तरीके से कौम अमालका से जो है अपनी कौम का बदला लिया। इसने वो जो दो बड़े जो पिलर्स थे उन उसके ऊपर बड़ी सी एक छत बनी हुई थी, उस छत के नीचे सारे कौम अमालका के लोग बैठे हुए थे, इसके ऊपर मजाक कर रहे थे, मस्खरियाँ कर रहे थे और काफ़ी इसको जो है वो पत्थर मार रहे थे, इसके ऊपर तोहमतें लगा रहे थे। तो इसने बदला लेने के लिए उन दोनों पिलर्स को जो है वो ज़ोर से खींचा, जिसकी वजह से वो छत जो है वो ज़मीन बोस हो गई, ज़मीन पर आकर गिरती है, जिसके नीचे सारे कौम अमालका के लोग दब कर मर जाते हैं। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्टेंजा नंबर 7। ओके गाइज, सो दिस इज़ द लास्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम। सो वाट डज जॉन मिल्टन से, ही सेज, लॉर्ड्स, लेडीज, कैप्टन्स, काउंसलर्स और प्रेस्ट्स, देयर चॉइस, नोबिलिटी एंड फ्लावर, नॉट ओनली ऑफ दिस बट ईच फिलिस्टियन सिटी राउंड, मेट फ्रॉम ऑल पार्ट्स टू सॉल्मनाइज दिस फीस्ट, सैमसन विद दीज इनमिक्सड इनएविटेबली पुल्ड डाउन द सेम डेस्ट्रक्शन ऑन हिमसेल्फ। सो यहाँ पर शायर जो जॉन मिल्टन हैं, यहाँ पर ये कहते हैं कि लॉर्ड्स, लेडीज़, कैप्टन्स, काउंसलर्स और प्रेस्ट, देयर चॉइस, नोबिलिटी एंड फ्लावर, नॉट ओनली ऑफ दिस बट ईच फिलिस्टीन सिटी राउंड, यानी जैसे ही उसने उन दो पिलर्स को हिलाने की कोशिश की तो सारे जो लोग थे, जिनमें कौन कौन शामिल था, लॉर्ड्स, लेडीज़, कैप्टन्स, काउंसलर्स यानी बड़े बड़े जो मुशीर हैं वो, और प्रेस यानी जो बड़े बड़े इनके जो पादरी थे वो, देयर चॉइस, नोबिलिटी इनके आला किस्म के जो शुरफा थे वो, एंड फ्लावर, फ्लावर का मतलब है यहाँ पर लेडीज़, जो खूबसूरत जो लड़कियाँ हैं, जो खूबसूरत औरतें हैं वो, नॉट ओनली ऑफ दिस, सिर्फ इतना ही नहीं, बट ईच फिलिस्टियन सिटी राउंड, यानी पूरा जो फिलिस्टियन जो सिटी था जो इर्द गिर्द में था वो सारा तबाह बर्बाद हो गया, मेट फ्रॉम ऑल पार्ट्स टू सॉल्मनाइज दिस फीस्ट, और जो भी ये लोग इस फीस्ट में, इस दावत में मज़े उड़ाने आए थे, मुख्तलिफ पार्ट्स से शामिल होने आए थे, सैमसन विथ दीज इन मिक्सड एंड इनएविटेबली, और सैमसन भी इनमें जो है वो शामिल था, इसमें इन सब में आपस में मिल गया, इनएविटेबली पुल्ड डाउन द सेम डिस्ट्रक्शन ऑन हिमसेल्फ, और उसने भी अपने आप को इन सब के साथ जो है वो तबाह कर लिया। ठीक है, ख़त्म कर लिया, यानी सैमसन ने कहा कि मेरी ज़िंदगी का ये आखिरी मकसद है, ए खुदा तू मुझे इतनी ताकत दे दे कि मैं अपनी कौम का, अपन बनी इसराइल जो कौम है जिनके ऊपर इन लोगों ने, कौम अमालका के लोगों ने इतना जुल्म किया है, तो उन तमाम मजालिम का मैं बदला ले सकूं, मुझे एक बार ताकत दे दे। फिर उसको जो ताकत मिली, उस ताकत से उसने दो पिलर्स को, जो हैवी पिलर्स थे, मैसी पिलर्स थे, उनको हिलाया, और जिसकी वजह से वो जो उसके ऊपर जो छत बनी हुई थी, वो पूरे महल की जो छत थी वो बनी हुई थी, वो सारी छत जो है हिचकोले खाकर
उन सारे लोगों के ऊपर गिर गई, जिससे पूरा जो शहर होता है फिलिस्तीन सिटी इंक्लूडिंग जो भी लोग जो लोग थे वो सारे तबाह हो जाते हैं, मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और उनके साथ जो सैमसन जो होता है वो भी जो है वो मर जाता है, अपने आप की जो है वो जान कुर्बान कर देता है। ठीक है, तो ये आपकी पोइम थी सैमसन एग्निस्टीज़ की। तो ये बहुत ही बहादुर किस्म का इंसान हुआ करता था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का। तो उम्मीद है आपको जो है ये पूरी पोएम विद स्टेंजाज जो मैंने समझाई हैं आपको समझ में आ गई होंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो मैं आप लोगों को भेजूंगा उसमें मैं आपको आपका असाइनमेंट वर्क जो है वो सजेस्ट करूंगा इंशाल्लाह। आई विल गिव यू योर असाइनमेंट वर्क। सो टिल दैट टाइम गाइज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।